हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रानी है और मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट। तो जैसे कि हमने सुना है, घुटनों में दर्द, मुड़ जाना, लचक जाना, तो ये तो लगातार चालू रहता है, पर उससे ठीक करने का उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये घुटना है, तो जैसे हमारा पैर मुड़ गया, ठीक है, जैसे मुड़ गया तो यहाँ दर्द होता है, सूजन सी होने लगती है, चलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाता है। जैसे आपका घुटना है, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो दर्द होने लगता है, ऐसे करेंगे तो दर्द होने लगता है। तो कुछ नहीं, बस आपको जब आप सोते हो उससे पहले आपको हल्का सा नारियल का तेल गर्म करने का है, उसको हल्के से ऐसे प्यार से उसको मसाज करने की लगातार 1 घंटा, ठीक है, कुछ नहीं, सोने से पहले हल्के हाथों से 1 घंटा आपको लगातार मसाज करनी है। उसके बाद फिर आप सो जाओगे, तो पैर है ना आपका, ऐसे करके इसके नीचे तकिया रख के आपको सोना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना कि जो आपके पैर में जो मालिश दी हुई है वो सूजन है ना, धीरे धीरे से यहाँ से पैर तो काट के वो ठीक हो जाएगी, मतलब उससे आपको आपको बहुत कंफर्टेबल होगा। और जैसे कि दोस्तों, आप सुबह उठ रहे हो और वो तकिया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो आपको सुबह उठ के गर्म पानी से, वैसे गर्म पानी का आपको सेक करना है और हल्के से या इस घुटने पे रखना है, तो आपको सेक आपको करना होगा 15 या 20 मिनट। उससे क्या होगा ना दोस्तों कि जैसे वो सूजन हो रही है, अंदर से ऐसे दर्द हो रहा है, तो वो गर्म पानी की वजह से ना उसका वो असर कम होता जाएगा, मतलब आपको बहुत बेहतर, आपको चलने में एकदम ईजी हो जाएगा। और जैसे दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि घुटने वाला दर्द होता है, हड्डी क्रैच पड़ना, ये होना वो होना, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहते हैं कि फ्रैक्चर होगा, ये होगा, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कंटिन्यू सोने से पहले गर्म पानी से सेक करवाना है, थोड़ा सा नारियल का तेल गर्म करके थोड़ा सा 1 घंटा मालिश करवाना है। उससे क्या होगा ना कि जैसे कि हम चलने में हमें आसानी हो जाएगी, और दूसरी बात है कि हमें बाहर जाना है, तो आप सुबह उठ के थोड़ा सा 10-15 मिनट वॉक करिएगा घुटनों पे बल पे, और सुबह उठ के थोड़ा सा योगा जैसे कि हमें करना चाहिए, जैसे घुटना ऐसे ऊपर नीचे ऐसे 10 बार करने का, पैरों की उंगली या 10 बार मोड़ने की। इससे क्या होगा ना कि जैसे पैर में जहाँ पे सूजन हो रही है, चला नहीं जा रहा है, उससे उसको उससे है ना बेहतर इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब आपको चलने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इतना ही चाहती हूँ कि जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, मुड़ गया, लचक गया, तो आप घर पे आप अपना इलाज कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ, और जैसे कि मुड़ गया है तो आप रात को, जैसे मुड़ गया आपको कुछ नहीं, घर आना है, उसको गर्म पानी से सेक करवाना है, थोड़ा सा नारियल का तेल करके उसको सेक करवाना है 1.5 घंटा, और तकियों के तकिया नीचे रख के ही आपको सोना है। इससे है ना आपको अच्छा फील होगा, आप तंदुरुस्त रहोगे। और आपको अगर ये मेरी जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू। और